इस पंडाल में बैठी है, जिसके घर में 9-10 साल के बाद तो औलाद हुई और 9-10 वर्ष के बाद औलाद होने के बाद आँख में एक गठान हो गई। आँख में जब गठान हुई तो उसकी जांच होना प्रारंभ हुई और उसका ऑपरेशन हुआ तो कैंसर निकला। बेटी हो गई, उर्मिला देवी, पति का नाम राजेश है, गांव गुड़ा, झुंझुनू जिला, राजस्थान। कहीं बैठी हैं क्या? अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? लिया लिया। गुरुदेव, मेरे घर में संतान नहीं थी, सब जगह का इलाज करवाया, सब जगह की दवाई करवाई, सब जगह का इलाज करवाने के बाद भी औलाद नहीं हुई। 1 साल 2 साल ऐसे करते करते 8 साल 9 साल निकल गए। मैंने आपकी कथा पहली बार मोबाइल पर किसी के क्लिप देखते देखते फेसबुक पर आपकी कथा की एक छोटी सी क्लिप सुनी, उस दिन से कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा, मेरे घर औलाद नहीं थी, बाबा से मैंने केवल एक सुख मांगा था कि मेरे घर में औलाद दे देना। बाबा की कृपा से मुझे 9 साल के बाद 8 नवंबर 2021 को मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया, पर बाबा एक सुख तो बाबा ने दिया पर मेरा दूसरा सुख मुझसे ले लिया। बाबा, मेरी आंख में गठान हो गई, जिसका मैंने फोटो भी लगाया है, अपने बच्चे का भी और उस आंख की गठान का भी। आंख में गठान हो गई, जांच कराई तो डॉक्टर ने मेरी आंख में कैंसर बताया। मैंने एक जगह पर जांच नहीं कराई, 3 जगह पर जांच कराई और तीनों जगह कैंसर बताया। गुरुदेव, अब आंख में कैंसर बता दिया और कैंसर बताने के बाद डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। अब करूं तो करूं क्या, आंख का कैंसर ठीक कैसे हो। एक दिन मैं भगवान शंकर से लड़ने के लिए पहुंच गई और बाबा से कहा, तूने मुझे औलाद का सुख दिया तो मेरी आंख का कैंसर दे दिया, मैं अपने बच्चे को कैसे देखूं, कैसे उससे लाड़ लड़ाऊं। गुरुदेव, वो जांच लेकर हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए जयपुर, और बाद में जब कैंसर की रिपोर्टें नॉर्मल हो ही नहीं रही थी, क्योंकि कैंसर बढ़ता जा रहा था पर कम नहीं हो रहा था, बाबा का शिव जी को जल चढ़ाकर आंखों में लगाना चालू करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, बाबा की मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ करा, अपने बच्चे की जैसी सेवा करती थी वैसे ने शिव मंदिर की सेवा करी, और दूसरी जांच कराने के लिए जब जयपुर के हॉस्पिटल में गई और जैसे ही जांच होना प्रारंभ हुई, मेरी सारी रिपोर्ट कम से कम 2 से 3 बार देखी गई और तीनों बार मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आज मैं कैंसर से मुक्त हूँ, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये मेरा फोटो है जिसमें मेरी बच्चा है और एक फोटो में मेरी आँख में कैंसर की गांठ है, जिसका मैं फोटो लगाकर भेज रहा हूँ। ये आँख में कैंसर जो आप लोग LED पर देख रहे होंगे, TV पर देख रहे होंगे, आँख में कैंसर और बच्चा। शिव तत्व औघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है।